हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी ये दाल पालक। इसको मैंने एकदम डिफरेंट तरीके से बनाया है। यकीन मानिए, हमारा बहुत ही बढ़िया दाल पालक बनकर के रेडी हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये दाल पालक ज़रूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आधा किलो पालक लिया है, इसको मैंने धो करके देखिए इस तरीके से कट कर लिया है। और ये पालक को हम कुकर में डाल देंगे। अभी देखिए, मैंने दो टमाटर लिए हैं, एक प्याज लिए हैं, करीब 7 से 8 कली में लहसुन के लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से धोकर के साफ़ कर लिया है। इनको हम कुकर में ऐड कर देंगे। अभी देखिए, मैंने 150 ग्राम हरे छिलके वाली मूंग की दाल लिए हैं, इसको भी मैंने धोकर के साफ़ कर लिया है। दाल को भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो इसमें बगैर छिलके वाली दाल भी ले सकते हो। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। अब इसमें करीब 1 गिलास जितना पानी डालेंगे। अभी कुकर को चूल्हे पर रख देंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे, फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पे इसमें सीटी आने देंगे। ये कुकर में सीटी आ चुकी है, फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 8 से 10 मिनट पकाएंगे और दाल को अच्छे से गला लेंगे। अब इसको लो फ्लेम पे पकते हुए देखिए, करीब 10 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी स्टीम को खुद ब खुद ही निकलने देंगे। ये कुकर की स्टीम निकल चुकी है, अब इसको हम खोल लेंगे। और इसमें देखिए, प्याज और टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। ये टमाटर के छिलकों को हटा लेंगे। ये प्याज और टमाटर को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर ये दाल आपको और पतली चाहिए तो आप इसमें अपने हिसाब से पानी डाल दें, उसको थोड़ी देर और पका लें। अभी कुकर को इधर से हटा देंगे। अभी कढ़ाई को चूल्हे पर रख देंगे, चूल्हे को ऑन कर देंगे। अब इसमें 1 बड़े चम्मच जितना ऑयल ऐड करेंगे। मैंने सरसों को लिया है, आप चाहो तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। और फ्लेम को हाई रखेंगे, ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब ये देखिए, इस चम्मच से भर के मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, ये मेरा सिका हुआ बेसन है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका घोल बना लेंगे। ये बेसन से हमारी सब्ज़ी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। आप चाहो तो बेसन की जगह इसमें आटा भी ले सकते हो। ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब ये देखिए, मैंने एक प्याज लिया है, इसको इस तरीके से कट कर लिया है। प्याज को इसमें डाल देंगे, प्याज को मिक्स करेंगे। अभी मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है और थोड़ी सी हींग ली है। ये मेरे स्ट्रॉन्ग वाली हींग है, इस वजह से मैंने इसको कम लिया है। तो हींग और जीरा को इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे और लहसुन और प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये लहसुन और प्याज देखिए फ्राई हो चुके हैं। अभी मैंने एक टमाटर लिया है, इसकी प्यूरी बना ली है। प्यूरी को इसमें ऐड कर देंगे, प्यूरी को मिक्स करेंगे। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे। इसमें 1/2 चम्मच कुटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1/2 चम्मच हल्दी ली है, इनको भी इसमें ऐड कर देंगे। इनको भी मिक्स करेंगे और इसे भी मसालों की बढ़िया भुनाई कर लेंगे। ये मसालों की देखिए भुनाई हो चुकी है। अब हमने जो बेसन का घोल बनाया है, इसको इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम करीब 1 गिलास जितना पानी और डाल देंगे। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। यकीन मानिए, इस तरीके से हमारे दाल पालक बहुत ही बढ़िया बनकर के रेडी होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, जिससे क्या है, मेरी सारी रेसिपीज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी। अब इसमें उबाल आने तक हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे, क्योंकि बेसन पकने के बाद गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से तले में चिपक सकता है। इसमें देखिए, उबाल आने स्टार्ट हो चुका है। अब फ्लेम को मीडियम कर देंगे
और इसमें हम दाल को ऐड कर देंगे। अभी मैंने एक नींबू का रस लिया है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। नींबू का रस आप आपके पसंद से ऐड कर लें, जितना खट्टा आपको पसंद हो। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इनको करीब 2 से 3 मिनट और पका लेंगे। इस वक्त आप इसको टेस्ट कर लें, अगर आपको नींबू नमक कुछ भी कम लगे तो इसमें और ऐड कर दें। इसको पकते हुए देखिए करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम को लो कर देंगे, कढ़ाई को चूल्हे पर से उतार लेंगे। अभी देखिए फ्राई पैन में मैंने 1 चम्मच ऑयल लिया है, इसको गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इससे क्या है कि तब हम इसमें बघार ऐड करें तो बघार जले नहीं। और मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया है, लहसुन को इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग ऐड करेंगे, इनको हल्का सा पका लेंगे। अभी दाल में इसका बघार लगा देंगे। ये बघार को इसमें सब तरफ कर देंगे। ये देखा आपने कितना बढ़िया हमारा दाल पालक बनकर के रेडी हुआ है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार दाल पालक ज़रूर बनाइए। आई होप आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बाय अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।